मित्रों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, डाइट प्रवक्ता सुल्तानपुर, आपके समक्ष ऑनलाइन टीचिंग में सांख्यिकी की प्रकृति, महत्व एवं उपयोगिता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी प्रशिक्षुओं का व प्रतिभागियों का स्वागत है। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं, सांख्यिकी जो प्रकृति है, नेचर ऑफ स्टैटिक्स, क्रमबद्ध अध्ययन, जो स्टैटिक्स है वह साइंस की तरह क्रमबद्ध अध्ययन करती है, यानी कि सीरियल बाय सीरियल, एक क्रम से वह स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करती है। पहले डाटा कलेक्शन करेगी, उसके बाद उसका वर्गीकरण करेगी, सारणीकरण करेगी, प्रस्तुतीकरण करेगी, व्याख्या करेगी, इस प्रकार से वो क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए आगे बढ़ती है। दूसरी प्रकृति है निश्चित एवं सुव्यवस्थित रीतियाँ। जो भी हम उसमें मेथड्स यूज करेंगे, जो भी टेक्निक्स, टैक्टिक्स, मेथड्स यूज करेंगे, वह निश्चित होता है और व्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक नियम। जो रिसर्च के द्वारा सांख्यिकी के माध्यम से जो भी हम एक निष्कर्ष निकालते हैं वह सर्वमान्य होता है, यानी कि हर जगह मान्य होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और सार्वभौमिक होता है, यानी कि उसको हम यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं, उसको सार्वभौमिकरण कर सकते हैं, हर जगह उसको लागू कर सकते हैं। कारण तथा परिणाम के संबंध का विश्लेषण। चौथी प्रकृति है इसकी कारण तथा परिणाम के संबंध का विश्लेषण। किसी घटना को लेके, किसी तथ्य को लेके, किसी की अध्ययन को लेकर के क्या कारण है और उसका क्या परिणाम है, और कारण और परिणाम के संबंध में क्या का विश्लेषण करते हैं, क्या संबंध है उसको जान करके उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि कोरोना काल में जो बच्चे हैं, जो हमारे प्रशिक्षु हैं, डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, कुछ प्रशिक्षु चाह रहे हैं कि हमें क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, कुछ प्रशिक्षु चाह रहे हैं कि एग्जाम। अब इसमें कारण जो भी है, कुछ प्रशिक्षु ऐसा चाह रहे हैं कि समय बहुत हो गया है, हमारा नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें प्रमोट कर दिया जाए। कुछ प्रशिक्षु ऐसे हैं जो यह चाह रहे हैं कि हमारा पिछला रिकॉर्ड किसी वजह से गड़बड़ हो गया है, ख़राब हो गया है, रिजल्ट सही नहीं आया है, हम इसमें और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा परिणाम हमारा आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, इसलिए वह चाह रहे हैं कि प्रमोट न किया जाए क्लास। तो कारण हमारा यह है कि प्रमोट किया जाए कि न किया जाए या एग्जाम। परिणाम, अब प्रमोट करने के बाद क्या परिणाम आएगा, उसमें हो सकता है कुछ बच्चे कोर्ट भी जा सकते हैं या कुछ बच्चे जो नाराज़गी भी जाहिर कर सकते हैं। अगर एग्जाम होता है तब भी उसका परिणाम कुछ अलग आ सकता है, क्योंकि COVID-19 कारण कुछ ने अच्छी पढ़ाई की है, कुछ लोगों ने लापरवाही की है, तो उसका परिणाम भी अलग आ सकता है। तो कारण तथा परिणाम का एक जो संबंध है उसमें हम पूर्वानुमान लगा के उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। गतिशीलता, जो सांख्यिकी हमारी है वह गतिशील है, उसमें गतिशीलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। नेक्स्ट है
पूर्वानुमान की क्षमता, यानी कि किसी भी कारण का, किसी भी तथ्य का हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। कैसे पूर्वानुमान लगा सकते हैं? कोई घटना या कोई तथ्य या कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा हमें मिल जा रहा है, हम उसका टेस्ट ले करके, उससे बात व्यवहार कर करके उसके बारे में हम जान सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, इसका अचीवमेंट कितना है, इसका एटीट्यूड क्या है, इसकी रुचि किस में है। तो हम पूर्वानुमान या प्रिडक्शन कर सकते हैं कि यह बच्चा इस एरिया में अच्छा कर सकता है, इस क्षेत्र में अगर इसको भेजा जाए तो अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी का महत्व एवं उपयोगिता। सांख्यिकी का महत्व एवं उपयोगिता, एक स्लाइड आगे चल गई है, हम प्रीवियस पे जाना चाह रहे हैं। सांख्यिकी का महत्व एवं उपयोगिता, देखिए आधुनिक युग में सांख्यिकी का महत्व इतना बढ़ गया है कि जीवन के प्रत्येक क्रिया किसी न किसी रूप में सांख्यिकी के ज्ञान से संबंधित है। इसकी उपयोगिता नीचे दी गई है। जैसे शासन के लिए उपयोगिता, शासन के लिए क्या उपयोगिता है सांख्यिकी? शासन तमाम प्रकार के सर्वे कराता है और यह जानने की कोशिश करता है हमारे प्रदेश में या हमारे देश में हमारी जनता की क्या स्थिति है, कितनी जनता आर्थिक रूप से बेरोजगार है, कितनी सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, किसको भोजन मिल रहा है, किसको भोजन नहीं मिल रहा है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, हमें किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। यह सब सारी की सारी बातें सांख्यिकी के डाटा कलेक्शन से सरकार को प्राप्त होती है और सरकार शासन उसकी व्यवस्था, उसका एनालिसिस करके, डाटा का एनालिसिस कर करके, उसका विश्लेषण करके, एक रिजल्ट निकाल करके उसका सलूशन या उसका परिणाम, उसका हल, समस्या का समाधान वह अपने जनता को देता है। नियोजन के क्षेत्र में, प्लानिंग के एरिया में, प्लानिंग कोई भी प्लानिंग हो उसमें सांख्यिकी की जरूरत पड़ती है। हम अपने डाइट के नियोजन के बारे में अगर चर्चा करें तो डाइट के बारे में प्लानिंग क्या है, जैसे हमारे प्रशिक्षु हैं उनको पढ़ाना है तो टाइम टेबल कैसे बने, कौन सा पीरियड पहले लगाया जाए, कौन सा पीरियड बाद में लगाया जाए, और कितने कितने घंटे का होना चाहिए, कितने कितने मिनट का होना चाहिए, और क्या क्या उसमें सम्मिलित करना किया जाना चाहिए, सब्जेक्ट के अलावा को करिकुलर एक्टिविटी सम्मिलित किया जाए, खेल खिलाया जाए बच्चों को, ऐसे सेमिनार रखे जाए, ऐसे वेबिनार रखे जाए जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन भी हो सके और बच्चे अधिक से अधिक अचीवमेंट कर सके, ऐसी प्लानिंग किया जाए कि उसमें जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख कान नाक त्वचा, यह ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल हो, जिससे अगर हम ऐसा संप्रेषण कर सकें, ऐसे शिक्षण व्यवस्था कर सकें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ शामिल हो, आँख भी शामिल हो, कान भी शामिल हो, नाक भी शामिल हो, मुंह भी शामिल, जीभ भी शामिल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट होगा। यह सब पूरी प्लानिंग, पूरा सिस्टम, डायट प्रचार से लेके डायट लेक्चरर, क्लर्क, स्टूडेंट, फोर्थ कर्मचारी सबको एक प्लान करके सांख्यिकी ही देती है और वह प्लानिंग के तहत एक अच्छा रिजल्ट निकालती है। वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में, मित्रों वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में हम देखेंगे जैसे आजकल हमारी पूर्ति क्या है, हमारी डिमांड, यानी कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड कितना है, सप्लाई क्या हो रही है कि नहीं हो रही है, यह सब हमें सांख्यिकी से मिलता है। उद्योग के क्षेत्र में है कौन सी चीज़ की, कौन सी वस्तु की जनता की ज़रूरत है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है,
हमें आवश्यकता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आपको पता है। तो कौन सा उद्योग चलाया जाए और जनता के समाज की आवश्यकताओं को पूरा हो सके, उद्योग के तहत वाणिज्य के तहत हम उसको पूरा करें, यह हमें सांख्यिकी की उपयोगिता यहाँ सार्थक होती है। अनुसंधान के क्षेत्र में मित्रों सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान यानी कि सांख्यिकी रिसर्च भी करती है और रिसर्च के क्षेत्र में यह कह लीजिए कि 70 से 75% तक स्टैटिक्स का योगदान है। बिना स्टैटिक्स के रिसर्च करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका डाटा टबुलेशन करना, डाटा कलेक्शन करना और वर्गीकृत करना, रिजल्ट निकालना, यह सब सांख्यिकी के माध्यम से ही होता है। विदाउट सांख्यिकी, विदाउट स्टैटिक्स रिसर्च संभव नहीं है। नेक्स्ट है मित्रों, सामाजिक एवं आर्थिक घटनाओं में, सामाजिक एवं आर्थिक घटना सांख्यिकी का उपयोग या महत्व सामाजिक एवं आर्थिक घटनाओं में होता है। किस समाज में क्या चल रहा है, कौन सा समाज हमारा पिछड़ा है, कौन सा अग्रणी है, कौन सा समाज सेल्फ डिपेंड है, कौन सा समाज रोजगार कर रहा है, कौन सा समाज रोजगार से वंचित है, और जो रोजगार है वह आर्थिक से रिलेटेड है। अगर रोजगार समाज को मिला है तो उसकी आर्थिक मजबूती होगी, और अगर समाज को रोजगार नहीं मिला है तो आर्थिक मजबूती नहीं होगी। तो ये सब की जानकारी स्टैटिक्स हमें देती है, सांख्यिकी देती है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं मनोविज्ञान एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का कम्प्लीमेंट है, मनोविज्ञान शिक्षा का कम्प्लीमेंट है। एक बच्चे का अध्ययन करने के लिए, एक बच्चे को जानने के लिए मनोविज्ञान क्षेत्र में आया है। जब हम एक बच्चे को अच्छी तरह जान लेंगे तब उसकी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी या सुचारू रूप से कर सकते हैं। कैसे एक बच्चे को जानना है, उसके एज के अकॉर्डिंग उसका कैसा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, कैसा करिकुलम उसका है, कहीं उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा तो नहीं है, कहीं डिफिकल्टी लेवल कम तो नहीं है। इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे, वो बच्चा किस पोजीशन पे है इंटेलिजेंट में, वह मंद बुद्धि तो नहीं है, वह इंटेलिजेंट तो नहीं है, वह सामान्य है, तो हम सामान्य व्यवस्था उसकी करेंगे। उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वह किस एरिया में जानना चाहता है, हो सकता है वह ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ना चाहता, कुछ अलग ढंग से पढ़ना चाह रहा है, तो मनोविज्ञान हमें बताएगा कि उस बच्चे के लिए हम कैसी शिक्षा प्रोवाइड करें। तो यह सब जानकारी और यह सब डाटा कलेक्शन सांख्यिकी के माध्यम से होता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आप जानते हैं, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी सांख्यिकी बहुत योगदान दे रही है। कब, कहाँ, कौन सी चिकित्सा कैसे प्रदान करनी है, इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल आपको COVID-19 दे देगा। किस हॉस्पिटल में कैसे डाटा कलेक्ट कर करके, कैसे कर करके वहाँ COVID-19 के उपचार के लिए व्यवस्था होती है, यह सब जानकारी सांख्यिकी के माध्यम से ही होता है। कृषि के क्षेत्र में कितना हमारा क्षेत्रफल है, कितना उसमें बीज डालना है, समय समय पे हमें कब उसकी सिंचाई करना है, कब उसकी गुड़ाई करना है, कब उसमें फसल पकेगी, कब उसकी कटाई करना है, यह सब पूर्वानुमान सांख्यिकी के माध्यम से ही मिलता है। वर्तमान का अनुमान तथा भविष्य का पूर्वानुमान लगाने में, वर्तमान में जो है उसका प्रिडक्शन करने में तथा भविष्य का प्रिडक्शन करने में, भविष्यवाणी करने में भी सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चे की भविष्यवाणी करने में बहुत महत्वपूर्ण है, मौसम की भविष्यवाणी करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब मिला जुला के सांख्यिकी ही ऐसा है जो कि सब्जेक्ट में हर क्षेत्र में समाहित है। बिना सांख्यिकी के कोई भी सब्जेक्ट पंगु है, वह आगे बढ़ने में असमर्थ है,
और वह कंप्लीट नहीं है और एक दूसरे के कंप्लीमेंट कर सकते हैं। जटिल को सरल बनाने में, नेक्स्ट पॉइंट है जटिल को सरल बनाने में, कोई भी कठिन चीज हो उसको सरल बनाना, किसी भी बड़े से बड़े डाटा को जनरलाइज करना, इजी करना सांख्यिकी के माध्यम से होता है और बड़े से बड़े डाटा का रिजल्ट सामान्य रूप से सांख्यिकी दे देती है, इसलिए सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्ता और भी बढ़ जाती है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।